फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको स्प्राउट सैलेड बना के दिखाऊंगी। स्प्राउट सैलेड बहुत ही हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें काफी सारे वेजेस और स्प्राउट है। स्प्राउट हमको रेगुलर खाना चाहिए। स्प्राउट मैंने कैसे बनाते हैं उसका पूरा वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रेसिपी। तो स्प्राउट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम गैस ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उनको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब हम यहाँ पर 8-10 करी पत्ते डालेंगे। ये मसाला अब हमारा भून चुका है। अब हम यहाँ पे मैंने ये 1/2 कटा हुआ गाजर लिया है जिसको हम डाल देंगे। आधा कटा हुआ कुकुम्बर, आप चाहो तो गाजर डालने से पहले एक मीडियम साइज का ऑनियन भी ले सकते हो। अब हम 1/2 कटा हुआ कुकुम्बर डालेंगे। मैंने यहाँ पे सब इलायची को बारीक कट कर दिया है। 1/2 कटा हुआ कैप्सिकम, 1 बारीक मीडियम साइज का हमने टोमेटो लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप ना डालें। और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। बीच में एक बार हिला लेंगे ताकि ये जले या चिपके ना। अब हमारा 1 मिनट हो चुका है। हम यहाँ पर ढक्कन हटा के चेक करेंगे। हमको सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, हमको उसका सैलेड बनाना है, इसलिए थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का रखेंगे। अगर आपको पूरा पकाना है तो आप पूरा भी पका सकते हो, बट थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का का इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर ये स्प्राउट मिलेंगे। मैंने ये स्प्राउट ऑलरेडी करके रखे थे, इसका मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी तो आप नीचे चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे स्प्राउट कितने बड़े बड़े अच्छे आए। इसकी ये रूट, ये 1 दिन का किया हुआ स्प्राउट है। आप देख सकते हैं इसकी रूट कितनी बड़ी बड़ी है। अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ये स्प्राउट लिए हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में फ्रेंड्स हिलाते रहिएगा।
अब हमारे यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार देख लेंगे। हमने बीच में एक दो बार हिलाया था, हमको इसको पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा रखेंगे तो इसके बेनिफिट हमको ज़्यादा मिलेगा। हम ऐसे ही बिल्कुल स्प्राउट करके ही कच्चा थोड़ा थोड़ा रोज डेली रूटीन में खाएंगे तो उसके बेनिफिट्स हमको अच्छे मिलते हैं। स्प्राउट हमको रेगुलर खाने चाहिए। तब हमारा ये हो चुका है, अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है, अब हम उस पर थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। बस इस तरह से आप अपने घर पे आराम से स्प्राउट बना सकते हो और स्प्राउट बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, अब जाने का टाइम आ चुका है, फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।